भैया नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एके आर ब्लॉग्स और मैं हूं आपका दोस्त अनुज कुमार। गुड मॉर्निंग फ्रॉम गुड़गांव। लास्ट व्लॉग का एंड भी गुड़गांव से हुआ था और इस व्लॉग की स्टार्टिंग भी गुड़गांव से हो रही है। मैंने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी अपलोड की थी, तो जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं उन्हें तो रीजन पता है कि मैं गुड़गांव किस लिए आया हूं। अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो चाहिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको इंस्टाग्राम पर मिलेंगी। एंड बाकी अदर सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जो मेरे हैंडल्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैं गुड़गांव आया था एक अनदर फोटो शूट के लिए, के साथ साथ एक रीज़न और था। लास्ट व्लॉग में आप मेरे दोस्त राहुल से मिले थे, से अब लोग लाल बादशाह के नाम से जानते हैं। 3-4 दिन से मैं उसका फोन ट्राई कर रहा था बट उसका फोन कंटिन्यू नॉट रीचेबल जा रहा था। तो गुड़गांव आया था तो सोचा क्यों ना उससे भी मिलता चलूं और पूछूं जो नॉट रीचेबल फोन जा रहा था उसका रीज़न क्या था। बट यहां आकर तो कंडीशन कुछ और ही थी एंड रीज़न पता लगा। क्या सिचुएशन थी वो मैं आपको दिखाता हूँ। पब्लिक देख रही है तुझे। जी हाँ, लाल बादशाह का जो झंडा था वो टूट चुका है। ये रीज़न था कि पिछले 3-4 दिन से जो है इसे कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा था बिकॉज ही गॉट इंजर्ड एक्सीडेंट के साथ साथ। जो इसका मोबाइल था वो भी कहीं खो गया था। इसकी फैमिली है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी बिकॉज कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा था। जो नंबर है वो अभी तक इशू नहीं हुआ है, उसमें भी तो कुछ प्रॉब्लम चल रही है। यू नो आज के टाइम में मोबाइल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे हो गया ये बता तो दिया। हुआ कैसे ये? क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने सबकी बात ली। तो अभी डॉक्टर ने इसको 3-4 दिन का रेस्ट दिया है, देन उसके बाद दोबारा से एक्सरे होगा और उसके बाद पता लगेगा कि जो हाथ की कंडीशन है वो क्या है। तो जो काम है उसे कंप्लीट करते हैं देन निकलते हैं फिर यहाँ से घर के लिए। दर्द होता है? दर्द है? ऑलराइट गाइस, तो पैकिंग सारी हो चुकी है, सारा काम कंप्लीट हो चुका है। इस व्लॉग में मैं मोटो व्लॉग करने वाला हूँ। गुड़गांव से अपने घर हम मोटो व्लॉग करते हुए जाएंगे। दिस इज माय फर्स्ट मोटो व्लॉग। आई एम एक्साइटेड बिकॉज मेरा काफ़ी मन था कि मैं मोटो व्लॉग भी स्टार्ट करूँ अपने चैनल पे। तो आज वो दिन है, आज गुड़गांव से हम घर तक मोटो व्लॉग करते हुए जाएंगे। Let's go. So this is my first motor vlog and I'm happy, excited कि जो एक सपना देखा था मैंने motor vlog start करने का वो आज से शुरू हो रहा है। सो अभी घर जाने से पहले हमें एक जगह कुछ देर के लिए रुकना है। राहुल का कुछ काम है सिकंदरापुर में, सो वो वर्क कंप्लीट करके देन वापस हम निकलेंगे मे बी 2 घंटे 50 किलोमीटर्स के लिए। फाइनली आई एम डूइंग मोटो व्लॉग। तो मैंने सोचा है कि अगर ये व्लॉग मेरा अच्छा होता है, स्पेशली ये मोटो व्लॉग वाला पार्ट अगर अच्छा बनता है, फिर हम एक रोड ट्रिप प्लान कर रहे हैं जो कि दिल्ली से लगभग 250 या 300 किलोमीटर के आसपास का होगा। राहुल गया था वोडाफोन के स्टोर पे अपने नंबर को रीइश्यू कराने के लिए और वो अभी आ चुका है। तो हो गया नंबर इशू? हाँ, अरे वो उनके कस्टमर केयर कुछ पता नहीं है। शी इज नॉट बदर इवन द कंप्लेंट्स व्हिच आई रेज्ड यस्टरडे। यही प्रॉब्लम होती है। आई मीन वैसे तो प्राइवेट कंपनियों का कहना होता है कि उनकी सर्विस बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन जब एक्चुअल में आप लोगों को रिक्वायरमेंट होती है उनकी हेल्प की तब आपको पता लगता है कि प्राइवेट कंपनी वाले भी वैसा ही झोल करते हैं। वोडाफोन का नंबर रीइशू कराने के लिए ये चक्कर काट रहा है बट अभी भी कोई सोल्यूशन नहीं निकला है। कितने दिन का टाइम बता? अभी भी 2 दिन का टाइम और बताया। एनीवेज हम लोग निकलते हैं यहाँ से, वापस चलते हैं घर। तो 3 बज चुके हैं एंड
देखते हैं कि घर जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, बिकॉज मेरा तो भूख से काफ़ी बुरा हाल हो चुका है। तो जल्द से जल्द घर पहुंचते हैं। मैंने आराम से कहा कि कुछ पेट पूजा करते हैं, उसके बाद घर के लिए निकलते हैं। उसका कहना था कि नहीं, सब सीधा घर जाकर ही कुछ खाएंगे। धोला कुआं यहाँ से 15 किलोमीटर है। अब जो फ्लाईओवर आने वाला है, इस फ्लाईओवर को क्रॉस करते ही हम गुड़गांव को टाटा बाय बाय कह देंगे। भाई साहब हमारे हेलमेट की तरफ देख रहे हैं कि इनके हेलमेट पे क्या लगा है। ऐसा क्या देख लिया सर आपने? टाइम 3:30 हुआ है, मैं आधे घंटे में हम गुड़गांव क्रॉस कर लिया है। गुड़गांव से दिल्ली या दिल्ली से गुड़गांव के लिए सबसे अच्छा पैच लगता है, वो पैच अब स्टार्ट होने वाला है। ये पैच अराउंड 10-15 किलोमीटर्स का है, बहुत ज्यादा स्मूथ है एंड बाइक राइड करने में बहुत मजा आता है। यहाँ दिल्ली में जब विंटर सीजन होता है तो शायद ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है। लेफ्ट टर्न लेते ही ये पैच स्टार्ट हो जाएगा, तो मेरे साथ साथ इस रास्ते का आप भी मजे लीजिए। हियर वी गो। कचौड़ी वी आर एट होम नाउ। बैटरी कब डाउन हो गई वो हमें पता ही नहीं लगा, ब्लॉक था वो सारा मिस आउट हो गया। बट मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ। घर पहुँचने में हमें लगभग 3 घंटे और लग गए। मुझे बीच में कुछ अर्जेंट वर्क आ गया था जिसकी वजह से हमें 3 घंटे और वेट करना पड़ा। बट ऐसे तैसे कैसे हम लोग फाइनली घर पहुंच चुके हैं। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया होगा यार, राहुल मेरी तो ये बात सुनते नहीं है, तो आज इस बात को तू बता। हाय गाइस, आई होप आप जो भी इसने चीज़ें देखी हैं, जो भी कोशिश ये कर रहा है या जो भी कोशिश ने की है, सो आई होप आपको पसंद आए। सो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज़ 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 जो ये नीचे घंटे का बटन है इसको तोड़ दो, फोड़ दो लाइक कैरी मिनाती। सो लेकिन प्लीज घंटे का बटन जरूर दबा दो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। देखो आपको लाल बादशाह के एटलीस्ट इसकी थोड़ी सी वो रखो, लाल बादशाह के झंडे का आपको वास्ता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो में क्या पसंद आया है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। दिस इज योर अनुज कुमार साइनिंग ऑफ। गुड़गांव एक बार फिर अपने एक फोटोशूट के लिए, अपने फोटोशूट के लिए थोड़ी निकलेंगे एंड देखते हैं। मान जा क्या है।